जय श्री महाकाल दोस्तों। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं गैंगस्टर दुर्लभ कश्यप का दोस्त चयन सीके के बारे में। आपको बता दें कि हाल ही में चयन सीके को इंदौर के अनिल दीक्षित हत्याकांड में अरेस्ट कर लिया गया है और आज के समय में चयन सीके जो कि इंदौर पुलिस के पास है। तो आज के इस वीडियो में आपको हम बताने वाले हैं आखिरकार चयन सीके के इंस्टाग्राम अकाउंट के साथ क्या हुआ। आपको बता दें कि चयन सीके जो कि दुर्लभ कश्यप का सबसे करीबी साथी में से एक था और बताया जाता है कि चयन सीके जो कि दुर्लभ कश्यप के साथ मिलकर के कई तरह का आपराधिक कांड कर चुका था, लेकिन कई तरह के कांड करने के बावजूद भी चयन सीके जो कि बाहर में आज़ाद घूम रहा था, इसे कभी भी किसी का डर नहीं होता था, यहाँ तक कि ये पुलिस वालों से भी नहीं डरता था। और बताया जाता है कि भारत के अलग अलग राज्यों में इसके दोस्त लोग थे, इसीलिए ये प्रत्येक महीना भारत के अलग अलग राज्यों में भ्रमण करता और मस्ती से अपना जिंदगी बिता रहा था। लेकिन बताया जाता है कि चयन सीके के इंस्टाग्राम अकाउंट पर 50,000 से भी ज़्यादा फॉलोवर्स था। हालांकि आपको बता दें कि चयन सीके के पास दो इंस्टाग्राम अकाउंट था, जिसमें कि एक पे लगभग 50,000 फॉलोवर था और एक इंस्टाग्राम अकाउंट पर लगभग 1,00,000 फॉलोवर था। और आपको बता दें कि फाइनली इंदौर पुलिस ने चयन सीके के साथ कुछ ऐसा किया है कि चयन सीके का सारा सपना एकदम चूरमा चूर हो गया। तो आज के इस वीडियो में आपको हम बताएंगे आखिरकार चयन सीके के इंस्टाग्राम अकाउंट के साथ हुआ क्या। लेकिन इससे पहले आप ये जान लो कि चयन सीके जो कि इंस्टाग्राम अकाउंट के माध्यम से क्या क्या करता था। दरअसल बताया जाता है कि चयन सीके जो कि दुर्लभ कश्यप का सबसे बड़ा दुश्मन शाहनवाज खान को जब भी धमकी देता तो वो इंस्टाग्राम पर लाइव आता और लाइव आने के बाद वो कई दफ़ा धमकी देता था। इंस्टाग्राम का उपयोग चयन सीके केवल लोगों को धमकाने के लिए करता था। और आपको बता दें कि चयन सीके जो कि इंस्टाग्राम को एक हथियार के तौर पर यूज़ करता था। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म क्यों ना हो, वो इसलिए होता है ताकि हम लोगों से जुड़ सके, ताकि लोगों के साथ हम अपना एक अच्छा संबंध बनाए रख सके। लेकिन चयन सीके जो कि ऐसा नहीं करता था, बल्कि वो अपने दुश्मनों को धमकी देने के लिए अक्सर इंस्टाग्राम पर लाइव आता और लाइव आने के बाद वो अक्सर शाहनवाज खान को चुनौती देता कि हम तो तुमको देख लेंगे। तो फाइनली बताया जाता है कि चयन सीके का इंस्टाग्राम अकाउंट जो कि साइबर क्राइम डिपार्टमेंट ने डिसेबल कर दिया है और आज के समय में चयन सीके जो कि अपना इंस्टाग्राम अकाउंट नहीं चला सकता है। फिलहाल आपको बता दें कि चयन सीके जो कि जेल में बंद है। लेकिन अब सबसे पहले आप ये जान लो कि वो जेल गया क्यों। आज के समय में ऐसे बहुत सारे लड़के हैं जिनको लगता है कि भाई हमारे पास फेसबुक अकाउंट है, इंस्टाग्राम अकाउंट है या फिर जो कोई भी सोशल मीडिया अकाउंट है, तो आपको पता ही होगा कि लोगों का फॉलोवर्स होता है वहाँ पर। और अक्सर बहुत सारे ऐसे लड़के होते हैं जो कि गुंडागर्दी करने के लिए सोशल मीडिया का उपयोग करता है, जो कि बिल्कुल गलत चीज़ है। आपको बता दें कि चयन सीके जो कि कई तरह का आपराधिक काम करता था और चयन सीके आपराधिक काम करने के लिए अक्सर सोशल मीडिया का ही सहारा लेता था। फिलहाल आपको बता दें कि हाल ही में इंदौर का मशहूर हिस्ट्री सीटर बदमाश अनिल दीक्षित को जिस तरह से चयन सीके ने गोली मारा, गोली मारने के बाद चयन सीके जो कि काफ़ी हाईलाइट हो गया और पूरे इंदौर से लेकर के उज्जैन शहर तक चयन सीके का चर्चा चलना शुरू हो गया। लेकिन आपको बता दें कि चयन सीके जो कि फिलहाल जेल में बंद है और चयन सीके के बारे में बताया जाता है कि अब वो अपना इंस्टाग्राम अकाउंट नहीं चला पाएगा। हालांकि आपको बता दें कि चयन सीके चाहता था कि इंस्टाग्राम के माध्यम से बहुत सारे लोग उसे जाने और वो खुद को काफ़ी फेमस भी करना चाहता था, लेकिन फाइनली अब चयन सीके का सपना चकनाचूर हो गया और आगे देखते हैं कि आखिरकार चयन सीके के साथ क्या होता है। फिलहाल बताया जाता है कि चयन सीके के ऊपर धारा 307 लगा है। अब धारा 307 के तहत बताया जाता है कि चयन सीके को लगभग 10 साल तक का भी सजा हो सकता है। अब लेकिन सजा कितने दिनों का होगा इसके बारे में किसी को पता नहीं है, मुझे भी पता नहीं है, और जब मेरे को खबर मिलेगा तो मैं आपको बताऊंगा। तो फिलहाल इस वीडियो के माध्यम से आपको मैं यही कहूंगा कि कभी भी सोशल मीडिया का उपयोग करके गलत काम ना करें, अच्छा काम करें, अच्छा रास्ता चुने। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और यदि मन में कोई भी विचार हो तो कमेंट सेक्शन में लिख करके बताइए। नमस्कार, प्रणाम, आदाब, जय श्री महाकाल दोस्तों। मिलता हूँ अगले नए वीडियो में नए खबर के साथ। तब तक अपराध और अपराधियों से एकदम दूरी बनाकर रखें।